आज हमारा लेक्चर 13 है और लेक्चर 13 में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जो कि एक कार का नाम और उसका मॉडल शो करेगा। तो इंक्लूड आईएसट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास कार प्राइवेट कार का नंबर और स्ट्रिंग कार का नाम। मैं स्ट्रिंग की हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड str स्ट्रिंग। एक फंक्शन बनाया जो कि इनपुट लेगा इन दोनों को, तो void get data arguments, पहले नाम कर लेते हैं string n और बाद में मॉडल से नंबर n। तो क्या करेंगे, नेम इज इक्वल टू n और नंबर इज इक्वल टू नंबर। इन्हें सिंपली डिस्प्ले करवा दिया, कार नेम और कार नंबर NUMBER। ठीक, मेन फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया एक कार A1, उसके बाद A1 डॉट गेट डेटा। तो अगर ये हम करेंगे तो सिंपली आर्गुमेंट्स पास करने हैं, पहले कार नेम टोयोटा कर लें और कार का जो नंबर है 65 कर लें। तो ये प्रोग्राम तो सिंपली कार का नेम और कार का नंबर डिस्प्ले करवाएगा। ये देखें, कार नेम टोयोटा, कार नंबर 65। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? अब इसमें हमने ये किया कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर गेट डाटा को कॉल की और आर्गुमेंट्स पास किए। लेकिन कंस्ट्रक्टर वो होता है कि कंस्ट्रक्टर जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से बनता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अब ये कंस्ट्रक्टर बन गया, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, मतलब यहाँ पर हम कोई void या int नहीं लिखेंगे। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। इसकी एक और ख़ास बात कि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब देखते हैं, यही सेम कोडिंग अगर मैं करूँ कंस्ट्रक्टर में, कंट्रोल प्लस एक्स वी, सिंपली नाम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू नुमान और नंबर 56। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसे भी कमेंट करना पड़ेगा। ये देखें,
कार नेम इज़ इक्व नुमान कार नंबर 56। तो कंस्ट्रक्टर ऐसा है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जब हम कंस्ट्रक्टर नई क्लास में बनाते तो कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ही बना देता है। तो ये था कंस्ट्रक्टर का रोल। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है। कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप ये एक बेसिक चीज़ है कि किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इस तरह कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम और अगर पैरामीटर वगैरह पास करने हो तो। लेकिन कंस्ट्रक्टर में जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उसी वक्त कॉल हो जाता है, इसके लिए हमें अलग-अलग कॉल नहीं करना पड़ता। इसी तरह अगर कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास करने हों, एसटी स्ट्रिंग ए एन कर लें और दूसरा क्या था नंबर इंट नंबर, जैसे कि हम आम फंक्शन बनाते हैं उसी तरह, और नंबर इज़ इक्वल टू, ये दोनों सेम हो गए हैं नंबर। अभी यहाँ पर पहले तो हम इस तरह कॉल करते थे ना कि ऑब्जेक्ट डॉट गेट डाटा जो फंक्शन का नाम हो। अभी तो मैंने फंक्शन ख़त्म कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाया पहले क्या है स्ट्रिंग नाम है ना, तो पहले नाम गाड़ी आप फरारी कर लें या BMW कर लें, तो BMW नंबर क्या होगा, कुछ भी नंबर होगा। तो आर्गुमेंट्स इस तरह पास करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसी वक्त आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। तो ये नाम शो करेगा, कार का नाम है BMW और कार का नंबर है 454। तो एक और एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, हम इसे ओवरलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये तभी कॉल हो जाता है जब हम कोई हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना हो तो वो कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार नाम के दो कंस्ट्रक्टर बनाने हो, हम क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ये कोई लिमिट नहीं। अब कार में कार का नंबर भी हो सकता है, कार का नाम भी, कार का कलर भी तो हो सकता है ना, कलर। एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि कार का कलर भी शो करवाए, सी। इससे मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ, तो कॉपी कलर इज इक्वल टू सी। बैक स्लैश एन कलर और COLO कलर। तो एक और आर्गुमेंट, एक और हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार कार A2। तो इसी तरह कार का नाम रख लेते हैं टोयोटा, कार का नंबर सेकंड नंबर पे नंबर है 500 और कार का कलर क्या होगा रेड। तो दोनों सेम हैं, कार और ये भी कार, दोनों कंस्ट्रक्टर्स के नाम सेम हैं। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा मैंने कंस्ट्रक्टर चलाना है? तो इसका पता चलता है इन आर्गुमेंट्स से, आर्गुमेंट्स मैच होंगे अगर। तो ये है, अभी हम इसे स्किप कर देते हैं, फर्ज करते हैं ये है। तो इसमें दो आर्गुमेंट्स हैं, पहला स्ट्रिंग टाइप का मैच होता है और दूसरा इंट टाइप का, ये भी मैच हो जाएगा तो पहला चल जाएगा। लेकिन अगर ये देखते हैं टोयोटा, पहला स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग
दूसरा इंट टाइप का, ये इंट, इतना तो मैच होता है, लेकिन फिर एक स्ट्रिंग टाइप। तो कंपाइलर को यहाँ तो और कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो वो इसे नहीं चलाएगा, वो नीचे आएगा। ये स्ट्रिंग टाइप का मैच होता है, फिर इंट और फिर स्ट्रिंग, तो ये चला देगा। तो ये है कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। के सिंपली ओवरलोडिंग में ये होता है कि फंक्शन या कंस्ट्रक्टर जो भी हम ओवरलोड करें उसको डिफर किया जाता है पैरामीटर्स की बिना पर। पैरामीटर्स हम चेंज करके कंपाइलर उन्हें कंपाइलर को पता चलता है कि कैसे वो चलाएगा, कि कौन सा फंक्शन चलाना है। वो देखता है पैरामीटर्स को, जैसे पैरामीटर्स हम पास करें पैरामीटर्स को वो मैच करेगा और वो वाला फंक्शन चला देगा। तो ये था कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। याद रखें ओवरलोडिंग में हमेशा हम पैरामीटर्स ओवरलोडिंग तकरीबन डिपेंड ही पैरामीटर्स पर करती है। ओवरलोडिंग में फंक्शन सेम होता है, फंक्शन का नाम और पैरामीटर डिफरेंस होते हैं। अब एक और चीज़ है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, मतलब कि क्लास के नाम के साथ और अंदर जो भी कोडिंग करनी हो। फिलहाल मैं लिखता हूँ डिस्ट्रक्टर, डिस टी आर ई टी आर यू सी डिस्ट्रक्टर। तो ये तो बन गया कंस्ट्रक्टर। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, लेकिन अगर हम इसके साथ टिडल साइन ये वाला लगा देंगे तो ये कहलाएगा डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय करता है। बिल्कुल भी नहीं। डिस्ट्रक्टर असल में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले जो लास्ट फंक्शन परफॉर्म होता है वो डिस्ट्रक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंसान एक इंसान है वो मरने वाला है, तो उसके मरने से पहले वाली सांस वो उसकी आखिरी सांस होगी ना, आखिरी उसका फंक्शन होगा। तो डिस्ट्रक्टर भी इसी तरह काम करता है। जो ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में आखिरी फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले फौरन पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर का फ़ायदा क्या होता है? एक तो मेमोरी रिलीज़ करवाने के लिए, जो कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कोई फंक्शन हम बनाएंगे तो वो रिसोर्सेज मेमोरी में मेमोरी लेगा, रिसोर्सेज काफ़ी यूज़ करेगा। तो डिस्ट्रक्टर में हम कुछ इस तरह की कोडिंग करेंगे कि वो उस मेमोरी को रिलीज़ करवाए। डिस्ट्रक्टर का फ़ायदा कि वो लाजमी चलेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से कुछ देर पहले। डिस्ट्रक्टर्स भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, void या int हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। एक और बात, डिस्ट्रक्टर्स में हम पैरामीटर नहीं पास कर सकते जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर्स वगैरह में करते हैं, और ना ही डिस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग होती है। तो ये था डिस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मुझे SMS करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।